गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर थ्री सोर्सेज ऑफ फाइबर्स राइट सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फाइबर्स समझेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया है दे आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं इसलिए इन्हें मैनमेड फाइबर्स भी बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स तो ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें प्लांट फाइबर्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन जूट कॉयर राइट तरीके से ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं एनिमल फाइबर्स कहते हैं उन्हें फॉर एग्जाम्पल सिल्क एंड वूल सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन रेन तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सोर्सेस ऑफ फाइबर्स पढ़ेंगे टीदे.

उन्हें क्या बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स कॉटन जूट कॉयर सिल्क एंड वूल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर ये आप देख रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था द सीड पॉड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ कॉटन जो कॉटन का सीड पॉड होता है कॉटन प्लांट का वो सोर्स होता है कॉटन फाइबर का द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स इज द सोर्स ऑफ जूट इसी तरीके से जूट प्लांट का जो स्टेम होता है वो जूट का सोर्स होता है एंड द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट फ्रूट इज सोर्स ऑफ कॉयर इसी तरीके से कॉयर का सोर्स जो कोकोनट फ्रूट का आउटर कवरिंग होता है वो होता है स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आप ये है कॉटन प्लांट का सीड पॉड्स और ये सोर्स होता है कॉटन का इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं ये कॉटन का सोर्स है ये जूट फाइबर है और ये कॉयर है है ना? तो जूट का सोर्स होता है जूट प्लांट का स्टेम ठीक है और कॉटन कोकोनट फ्रूट का जो कवरिंग होती है बाहर की वो होता है सोर्स ऑफ कॉयर। तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर में क्लियर हो गया सिल्क इज ऑप्टेंड फ्रॉम द कोकून

ये लामा है और ये याक है इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये सिल्क वम है और ये रॉ सिल्क है मैंने अभी आपको बताया सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वम है ना? तो सिल्क सिल्क वम से के कोकून से बनता है ठीक है विथ द पासिस ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स लर्न टू मेक फाइबर्स फ्राम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज फाइबर्स आर मेड फ्राम केमिकल सब्सटेंसेज एंड आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स जैसे जैसे समय निकला ह्यूमन बींग ने फाइबर बनाने के और भी तरीके ढूँढे और सीखे है न एनिमल्स और प्लांट के अलावा ह्यूमंस ने फाइबर बनाने के और भी तरीके सीखे इस तरीके के फाइबर्स को ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर कहते हैं और इन्हें कई केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है रेन पॉलिसटर नायलॉन एंड एक्रेलिक आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पॉलेस्टर नायलॉन एक्रेलिक जिसे कैशमिलॉन भी कहते हैं ये कुछ उदाहरण हैं सिंथेटिक फाइबर्स के सिंथेटिक फाइबर्स कॉटन शर्ट्स टीयर फास्टर देन नायलॉन शर्ट एक कॉटन शर्ट अगर आप लें और एक नायलॉन का शर्ट लें तो आप देखेंगे कि कॉटन शर्ट जल्दी फट जाएगा नायलॉन की शर्ट के मुकाबले तो वो ऐसे इस, इसलिए ऐसा होता है कि नाइलॉन फाइबर जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं ज़्यादा स्ट्रांगर होते हैं देन कॉटन फाइबर्स फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्राई फास्ट ऐसे फैब्रिक जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं वो जल्दी सूखते हैं एंड डू नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली और उनमें सुखड़न भी जल्दी नहीं आती वन डिसएडवांटेज ऑफ़ यूजिंग दीज फैब्रिक्स इज दैट दे कंटेन लेस एयर स्पेस बिटवीन देयर फाइब फाइबर्स एंड देयर फोर डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एक डिसएडवाटेज है इस तरीके के फैब्रिक का क्योंकि ये इनमें लेस स्पेस होता है इनके जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच कम स्पेस होता है और इसी वजह से ये पसीना नहीं सोखते हैं सो वी नॉट वियर क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इसलिए हम लोगों को सिंथेटिक फैब्रिक से बने हुए कपड़े हॉट में यानी कि गर्मियों में और नमी वाले मौसम में नहीं पहन सकते हैं हम लोग इस तरीके के कपड़े एट टाइम्स सिंथेटिक फाइबर्स आर मिक्स विद नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड वूल टू वीव अ फैब्रिक अभी क्या हो रहा है सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स किया जा रहा है नेचुरल फाइबर्स के साथ जैसे कॉटन वूल है ना और इनसे फैब्रिक बनाए जा रहे हैं वन सच फैब्रिक इज कॉल्ड पॉलीकॉटन और इस तरीके के एक फैब्रिक को पॉलीकॉटन कहते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन ये पॉलीएस्टर और कॉटन का मिक्सर होता है द पॉलीकॉटन फैब्रिक हैज मोर स्ट्रेंथ देन द इंडिविजुअल फाइबर्स कैन एब्जॉर्ब स्वेट एंड डज नॉट गेट रिंकल्ड फास्ट पॉलीकॉटन फैब्रिक जो होता है उसमें उसका स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज़्यादा होती है और उसमें स्वेट यानी कि पसीना सोख सकता है और उसमें रिंकल भी जल्दी नहीं पड़ते हैं तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ़ फ़ाइबर्स पढ़े इसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फाइबर्स को भी अच्छे से समझा आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे थैंक यू